ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार ईस्टर संडे प्रभु यीशु के पुनः जीवित होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के दो दिन बाद हर साल ईस्टर संडे को मनाया जाता है। बाइबल में लिखा है कि सूली पर लटकाए जाने के तीन दिन बाद प्रभु यीशु पुनः जीवित हो गए थे। इस दिन को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर संडे को ईसाई धर्म में ईस्टर संडे को खजूर इतवार, पवित्र इतवार और सनराइज सर्विस भी कहा जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी मानते हैं कि ईस्टर शब्द से ईस्टर शब्द की उत्पत्ति हुई है। पवित्र सप्ताह ईस्टर के लिए अग्रणी सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। यह पाम संडे से शुरू होता है, सोमवार, गुरुवार, गुड फ्राइडे और फिर अंत में ईस्टर संडे आता है। मध्यकालीन समय में गिरजाघर के पुजारी लड़कों को एक उबला हुआ अंडा देते थे और इसके साथ ही कोई टास्क भी देते थे। जो ये टास्क पास करता था उसे अंडा खाने को मिलता। ईस्टर संडे को अंडे को प्रजनन क्षमता के प्राचीन प्रतीक के रूप में देखा जाता है। साथ ही बसंत ऋतु का आगमन और यीशु के पुनः जन्म लेने के लिए माना जाता है। क्रिश्चियन ईस्टर पर नए कपड़े पहनते हैं तो पूरे वर्ष उनको शुभकामनाएं मिलती हैं। ईस्टर रविवार के दिन सभी गिरजाघरों में मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु को याद करते हैं और रात में जागरण व ईसाई धार्मिक परंपराएं निभाते हैं। ईसाई मान्यता के अनुसार ईस्टर संडे को घर सजाकर रात्रि में मोमबत्तियां जलाना और अपने मित्रों में इन्हें बांटना अत्यंत शुभ माना जाता है। ईसाई धर्म के अनुयायी मानते हैं कि जब प्रभु यीशु पुनः जीवित हुए तो वह अपने दोस्तों के साथ रहे और उन्होंने क्षमा का महत्व बताया और 40 दिन बाद, जिसे लेंट कहा जाता है, वह स्वर्ग में चले गए। दुनिया भर में कई ईसाई विशेष चर्च सेवाओं, संगीत, मोमबत्ती की रोशनी, फूलों और चर्च की घंटियों के साथ ईस्टर मनाते हैं। ईसाई धर्म के अनुसार यीशु मसीह को याद करने के लिए खुशी और उत्सव मनाने का दिन है। मैरी मैग्डलिन कब्र में यीशु को दफनाया गया था और रविवार को जब उसे खोला गया तो वह खाली था। एक स्वर्गदूत ने उसे बताया कि यीशु उठ गए हैं। तब से इस दिन को ईस्टर कहा जाता है। ईस्टर अंडे और ईस्टर बनी दोनों ईस्टारा की दावत का प्रतीक है। अन्य प्रतीकात्मक समानताएं बसंत के उगते सूरज, चर्चों में मोमबत्तियों की रोशनी, चित्रों या मूर्तियों के माध्यम से यीशु मसीह के क्रॉस और चित्रों का प्रतीक ईस्टर दिवस पर याद किया जाता है। इसी के मद्देनजर गोरखपुर में मसीही समाज के द्वारा ईस्टर दिवस पर जीवंत झांकी निकाला गया, जिसके संबंध में सेंट थॉमस चर्च धर्मपुर के इंचार्ज रेवरेंट संजय विसेंट ने बताया कि ईस्टर के दिन प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के बाद पुनर्जीवित हो गए थे। यीशु के जीवन पर उनके जन्म से मरण तक और पुनर्जीवित होने तक को झांकी के रूप में जुलूस निकाला जाता है और जनपद के सारे चर्च के द्वारा मिलकर इस पर्व को मनाते हैं और एक दूसरे को खुशी बांटी जाती है। यह यात्रा बशारतपुर सेंट थॉमस चर्च से निकलकर शास्त्री चौक पर जुलूस का समापन होगा। झांकी जुलूस में गोरखपुर के सभी कलीसिया चर्च अपना योगदान यीशु के जीवन पर आधारित एक झांकी के रूप में देते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट थॉमस चर्च धर्मपुर के इंचार्ज रेवरेंट संजय विसेंट ने कहा, Thank you.
दीजिए। ओके थैंक्स। लेना चाहता है। आज ईस्टर का महान पर्व है और ये ईस्टर का महान पर्व हमारे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का पर्व है। प्रभु यीशु मसीह ने रेवरेंड संजय विंसेंट प्रेसबिटर इंचार्ज सेंट थॉमस चर्च धर्मपुर गोरखपुर। ये ईस्टर पर्व की यात्रा है प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने की खुशी में। 2022 साल से ये पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में सेंट जॉन चर्च बशारतपुर गोरखपुर और गोरखपुर के सारे चर्चेज के द्वारा मिलकर इस पर्व को मनाया जा रहा है। आपसी खुशी बांटी जा रही है। बस ये बशारतपुर स्कूल गर्ल्स स्कूल प्लेग्राउंड से निकला क्राइस्ट चर्च तक जाएगा और वहां पर इसका समापन हो जाएगा। उद्देश्य है भाईचारा बना के रखना और जवान बच्चों के अंदर आत्मिक संस्कार का को आगे बढ़ाना ताकि वो विश्वास को समझ सकें और एक अच्छे इंसान बन सकें।